तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं NDA ने 2019 फेज वन के फिजिक्स के क्वेश्चंस। मेरे हाथ में ये सेट डी। पहला क्वेश्चन है, द सन हैज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो आपको मालूम होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सन पहले ही दिखाई पड़ जाता है, सूर्योदय के पहले ही सूरज दिखने लगता है और सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। दो मिनट पहले सूर्यास्त के वो दिखता है और सूर्यास्त के दो मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी 51st थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 51st, और इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 52nd। इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। ऐसे तीन ग्राफ्स दिए हुए हैं, तीन बॉडीज के लिए, ए बी और सी। हमको इनकी वेलोसिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताना है, इसमें से कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, फिर कौन सी है, ये सब हमको बताना है। तो ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज टी वर्सेस एक्स ग्राफ। आपने पढ़ा हुआ है जनरली टाइम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसलिए उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर प्लॉटेड होता है डिस्प्लेसमेंट, जनरली ऐसा होता है। और इस ग्राफ का स्लोप टैन थीटा, ये कैसे याद आएगा, तो ये याद आएगा इस क्वांटिटी में चेंज अपॉन इस क्वांटिटी में चेंज, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इस ग्राफ का स्लोप जनरली रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। जनरली मैं इसलिए कह रहा हूं कि टाइम यदि इधर प्लॉटेड है एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट वाई में, तब स्लोप गिव्स वेलोसिटी। यहां यदि आपका ध्यान नहीं गया होगा तो आप आंसर गलत करेंगे। यहां है टी, यहां है एक्स, यानी टैन थीटा यदि आप लेंगे स्लोप, तो वो क्या मिलेगा हमको, टी बाई एक्स, और टी बाई एक्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। अब इस पर ध्यान दें, ये एंगल सबसे कम करस्पॉन्डिंग टू ए, थीटा सबसे कम, तो वी से ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज लार्जेस्ट, एंड सो वी ए वुड बी ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन इस स्टूडेंट ने ऑप्शन ए टिक किया हुआ है करेक्ट, जबकि आंसर है बी, वी ए ग्रेटर वी बी ग्रेटर देन वी सी। तीसरा क्वेश्चन है, डाइन और न्यूटन में रिलेशनशिप। हमसे बोला है वन डाइन, जो फोर्स की सी जी एस यूनिट है, उसको हमको कन्वर्ट करना है एस आई में। तो पहले दोनों ऑप्शंस में, मैं ऑप्शंस यहां लिख के आपको बताता हूं, समझाता हूं, 10^3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड है 10^-3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा है 10^5 के जी मीटर्स अपॉन सेकंड स्क्वायर। और चौथा है 10^-5 के जी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऐसे ऑप्शंस थे। तो हमसे बोल रहा है वन डाइन कितने न्यूटन के बराबर है। एक्चुअली ये जो है ये न्यूटन है। कैसे मालूम हमको, तो आपको मालूम है डायमेंशन ऑफ फोर्सेस MLT-2। तो SI यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ मीटर, ये सेकंड माइनस टू, दिस इज SI यूनिट कॉल्ड न्यूटन। और यदि यहां ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस टू लिख दें तो दिस इज डाइन। इसका पूरे का मतलब है डाइन, इसका मतलब है न्यूटन। तो एक्चुअली हमको इन यूनिट्स में आंसर करना है, तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक। और यदि आपको याद आ जाता है कि डाइन इज स्मॉलर, न्यूटन इज लार्जर, आप एक स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो द इंडेक्स मस्ट बी नेगेटिव, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वी मस्ट राइट वन डाइन इक्वल्स 10^-5 के जी मीटर सेकेंड माइनस टू, दिस इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 54th क्वेश्चन में वीटी ग्राफ दिया हुआ है। अब कम से कम सही ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सेस में वेलोसिटी, एक्स एक्सेस में टाइम। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा, तो इमीडिएटली आपको याद आना चाहिए, स्लोप मतलब टैन थीटा, और टैन थीटा मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। अब एक ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है हमें, ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको इससे,
इसे समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। इस समय वेलोसिटी कैसी है, तो कम होती जा रही है, टाइम के साथ घट रही है पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस पार्ट में रिटार्डेशन आया होगा। इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने ए बी, ए बी सी डी। तो ड्यूरिंग ए बी क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड होती हुई मूव कर रही है। रिटार्ड हुई, उसके बाद क्या हुआ? कांस्टेंट हो गई उसकी वेलोसिटी ड्यूरिंग बीसी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ये क्या है? वेलोसिटी का इंक्रीमेंट। ऐसे इसको करेंगे या फिर आप इसको देखें तो ये स्लोप कैसा है? तो ये स्लोप है ऑब्ट्यूज। ये स्लोप कैसा है? तो ये स्लोप है एक्यूट, यानी करस्पॉन्डिंग टू थीटा। टैन थीटा कैसा होगा? नेगेटिव, यानी ये रिटार्डेशन है। और ये क्या है? थीटा इज एक्यूट, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यानी ड्यूरिंग ए बी रिटार्डेशन, बी सी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड सी डी एक्सेलरेशन। और ये इसमें पूछा हुआ था, हमसे बोल रहे थे इनमें से हमको बताओ कि एक्सेलरेटेड और डिक्लेरेटेड मोशंस कौन सी हैं। तो एक्सेलरेटेड कौन सी है इसमें से? सी डी, और डिक्लेरेटेड है ए बी, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए बी है एक्सेलरेटेड और सी डी है डी एक्सेलरेटेड या डिक्लेरेटेड मोशन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी डी ए बी, एंड सो सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया 55। फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 55वें क्वेश्चन में बात हो रही है थर्मस फ्लास्क की। तो इसमें से आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से तो आपको इसमें ऑप्शन सी करेक्ट महसूस होगा। द सरफेस ऑफ इनर, क्योंकि हमको चाहिए इसमें से इन करेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ूं, द वॉल्स ऑफ फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम, तो बिल्कुल सही है। डबल वॉल्ड वेसल होता है, वॉल्स के बीच में वैक्यूम होता है। एंड मेड ऑफ ग्लास विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही है। ग्लास इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर कौन होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। तो ग्लास इंसुलेटर है। तो ग्लास की दो वॉल्स होती हैं जिनके बीच वैक्यूम होता है, एंड सो ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रू। बी, द ग्लास वॉल्स देमसेल्व्स हैव शाइनी सर्फेसेस, बिल्कुल सही बात है। मिरर्स होते हैं, वो शाइनी सर्फेसेस होती हैं। बी इज ऑल्सो करेक्ट, और डी भी करेक्ट है। द कॉर्क सपोर्ट्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, आप चाहेंगे कि जो कॉर्क सपोर्ट्स होते हैं ऊपर, ढक्कन जो उसका होता है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए ताकि हीट लॉसेस ना हो। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, और वही हमको देखना था। तो इस तरह के सवालों में जब वो बोलता है ना नॉट करेक्ट, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो सवाल को सॉल्व करने के पहले यही हमारा ध्यान जाना चाहिए। जैसे इस प्रॉब्लम में भी गलती होती आपसे, यदि आप ध्यान नहीं देते कि ये टी है ये एक्स है, अगली बार हो सकता है इस वाली प्रॉब्लम में वो यहां टी और यहां वी कर देंगे। तो बहुत सावधानी से इसको देखना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में भी विच इज नॉट करेक्ट बोला हुआ है, और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द सर्फेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट्स एंड द सर्फेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब, ऐसा कुछ भी नहीं है। Absorb some of the heat that is radiated from, ऐसा बात नहीं है कि inner wall radiate करती और उसे outer wall absorb कर लेती, ऐसा कुछ नहीं है। Option C is not correct। तो इस तरह से 55 का answer C हो जाएगा। तो अब तक अभी हमने कितने questions करें? हमने किए 5 questions, 51, 52, 53, 54 and 55। मैं answers लिख देता हूँ। 51 का B, 52 का क्या आंसर सही है? बी, अगेन बी, बॉम्बे। 53 डी, दिल्ली। और 54 सी, एंड 55 इज अगेन सी। तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादातर बी होते हैं ज्यादातर सी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी भी गलत फहमी दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि जनरली आंसर सी होते हैं या बी होते हैं, ऐसा कुछ सोचकर आगे गड़बड़ ना करें। हर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें फिर आंसर करें। तो अब करेंगे अगला क्वेश्चन फिजिक्स का। टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे इसमें? तो मुझे लगता है 24-25 क्वेश्चन आए थे, 24 मैंने देखे हैं इसमें। हम आगे बढ़ते हैं, हो सकता है 25 क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ब्लैक होल के बारे में बात हो रही है। ब्लैक होल,
56 ब्लैक होल इज, तो सीधा डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे इसका ऑप्शन आपको सी करेक्ट महसूस होगा. स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, ह्यूज मैसिव मास होता है और अपनी लाइफ साइकिल के एंड में पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट सरफेस. और बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, कोई भी मास ब्लैक होल से एस्केप नहीं हो सकता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इवन लाइट भी उसमें से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए वो ब्लैक अपीयर होता है. बल्कि और दूसरा जो सराउंडिंग का मास है उसे और वो ड्यू टू लार्ज एक्सेलरेशन क्या करता जाता, अट्रैक्ट करके अपना मास बढ़ाता चला जाता है. एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ब्लैक होल के बारे में बात हुई, ब्लैक होल, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट 57, इस क्वेश्चन में हमसे कन्वर्शन करवाया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का. हमसे पूछा हुआ है, ऐसा दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर है, एक्स प्लस 1.8 टाइम्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. हमको बताना है व्हाट इज एक्स. तो आपको एक इनइक्वालिटी मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर ऑन अ स्केल. जैसे डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर है किसी स्केल पर, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट एट दैट ऑन दैट स्केल. तो जीरो डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल का, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट. इसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ में. मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूं कि अगली बार हो सकता है फ़ारेनहाइट और रूमर में रिलेशन पूछ लें. किसी भी एक स्केल का दूसरे स्केल पर कन्वर्शन ऐसे किया जाता है, उस टेम्परेचर स्केल पर टेम्परेचर, मान लो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है सी, इसको मैं हटा देता हूं डिग्री साइन को, सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट जीरो, 100 माइनस 100 क्या है अपर फिक्स पॉइंट यानी स्टीम पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पर एफ माइनस 32 क्योंकि ये उसका लोअर फिक्स पॉइंट है, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट. यहां 212 आएगा, यहां आएगा 212 और यहां आएगा 32. आपको याद रहेगा शायद क्या बोला मैंने, टेम्परेचर ऑन अ स्केल, टेम्परेचर ऑन अ स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट. इससे हमको इस तरह की एक ऐसी आइडेंटिटी बना लेनी चाहिए जब भी एक स्केल को दूसरे स्केल में हम कन्वर्ट कर रहे हों. ये तो शायद आपको याद ही होगा, यहाँ क्या होगा ये सी बाई 100 इक्वल्स, यहाँ क्या हो जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 180. हमको इसे अब्स्ट्रैक्ट करना है, एफ को हटाना है इसमें से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर 180 अपॉन 100 ये कितना हो जाएगा 1.8 सी इज इक्वल टू एफ प्लस एफ माइनस 32. तो एफ कितना हो गया, इसको ट्रांसपोज करें तो 32 प्लस 1.8 सी. हमसे ये पूछा हुआ था कि ये कितना है, तो कुछ बच्चों को तो सीधे ही ये दिख गया होगा कि 32 होता है, जनरली 32 आया करता है, तो वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. इस तरह 56वें क्वेश्चन का आंसर है सी और 57 का आंसर हो गया है कितना बोला मैंने ए, आंसर तो 32 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 58. व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डिविएट्स द लीस्ट. तो आपको मालूम है प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट. और डिविएशन का फॉर्मूला याद आना चाहिए, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 टाइम्स ए. इसी से हम पता करेंगे कौन ज्यादा कौन कम डिविएट हुई. तो यहां दिख रहा है डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और म्यू होता है लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोशीज फॉर्मूला से. तो अब आप बता सकते हैं कौन सबसे कम डिविएट होगा जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा है. लैम्डा किसका ज्यादा होता है, रेड का, और इसीलिए ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर यूज किया जाता है ड्यू टू दिस रीजन कि लाइट कौन सी रेड लाइट बीम सबसे कम डिविएट होती है. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेड. रेड डिविएट्स लीस्ट एंड वायलेट डिविएट्स मोस्ट, अगली बार वो आ जाएगा रेड. तो बी इसका सही ऑप्शन है.
58B. इसके बाद अगला है फ्यूज वायर का क्वेश्चन 59 लीगो, वो हमारा नहीं है, वो आप जीएस में पढ़ते हैं. 60 फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर कंडक्टिंग तो होना ही चाहिए, ये तो आप होना ही चाहिए. आप इंसुलेटिंग तो लगाए, इंसुलेटर तो यूज कर ही नहीं सकते फ्यूज वायर में. फ्यूज वायर लगाते हैं कहाँ, हमारे घरों में मीटर के पास लगा होता है, जो हम ड्रॉ करते हैं बिजली कंपनी से करंट, वो पूरा उसमें से होकर आता है, बाकी सब अप्लाइंसेस में घरों में, तो वो इंसुलेटिंग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सीडी तो होंगे नहीं. और यदि फ्यूज वायर हाई मेल्टिंग पॉइंट का हुआ तो फिर उसके वहां होने का कोई फायदा नहीं है. फ्यूज वायर लगाते क्यों है, इसलिए लगाते हैं कि यदि लार्ज वैल्यू ऑफ करंट आया, सपोज हमने ड्रॉ किया, बहुत ज्यादा वैल्यू का करंट यदि घर में आना चाहे तो फ्यूज वायर वहां मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर सर्किट को वो ब्रेक कर देता है, तो उसका मेल्ट हो जाना जरूरी है, उसको रेट किया जाता है, मतलब उसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको कहते हैं उसकी रेटिंग, उससे ज्यादा करंट के होने पर वो खुद फ्यूज मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है, ना उसे कंडक्टिंग होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए ताकि हीट प्रोड्यूस सफिशियंट हो उसे मेल्ट करने के लिए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो कंडक्टिंग तो होना ही चाहिए उसे और लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो क्वेश्चन 59 नहीं था, यहां 60 है, सीधे 60 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं 60 के बाद, अब सीधे फिजिक्स का क्वेश्चन आया है इधर 79, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है 79. क्या किया है उन्होंने, उन्होंने एक एप्पल को फॉल किया ग्राउंड पर, तो किसी हाइट पर एप्पल के पास कौन सी एनर्जी होगी, तो अर्थ एप्पल सिस्टम हुआ, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फिर वो सेब जब नीचे गिरेगा तो सेब के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पहले थी जब एच हाइट पर उसको होल्ड किया हुआ था तब थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब उसे रिलीज करेंगे ड्रॉप करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली जाएगी, और ग्राउंड पर टकराने के ठीक पहले उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, जब वो टकराएगा तो क्या होगा, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में, कुछ एनर्जी साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो कन्वर्शन पूछा हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, 79 का सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी इनटू एयर हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड साउंड एनर्जी, ये सब सही है, 79 का मेरे ख्याल से सी होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, उसके पहले सॉरी 77 भी था इसी का क्वेश्चन, 77 भी फिजिक्स में से था और 78 भी, 77 78 अभी हमने 79 का आपको आंसर बताया सी. 77 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिंक्स बिटवीन द एटम्स, तो थर्मल नहीं, पोटेंशियल नहीं, न्यूक्लियर नहीं, बल्कि केमिकल एनर्जी, एटम्स के बीच जो स्टोर होती है एनर्जी उसके लिंक्स के बीच, वो होती है केमिकल एनर्जी, बी ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये भी थ्योरेटिकल था 77 का बी. द लाइट एनर्जी, नेक्स्ट बोल रहा हूं 78, द लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, तो सन से आने वाली एनर्जी को कौन स्प्रेड कर देता है, तो आपको याद आया होगा रेनबो में, रेनबो में एटमॉस्फेयर में होते हैं सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स, उन्हीं से वो लाइट टकराती है और स्केटर हो जाती है, स्केटरिंग का फिनोमेना होता है वहां पर, तो वही हुआ स्प्रेड करना मतलब स्केटर करना, स्केटर किसने किया, तो वहां किया शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स, एंड सो ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए 78 का ए. तो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट है 86, ये इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिसिटी से क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं दो कॉपर वायर्स हैं ए और बी, ए के बारे में क्या बताया हुआ है, दो कॉपर वायर्स, टू मेटल वायर्स ए एंड बी, ए की रेडियस आर, लेंथ एल, और वी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा है इस वायर के अक्रॉस, और इसमें शक्ति क्षय यानी पावर पी खर्च होती है. फिर बोला है तार बी की रेडियस, ये मैंने क्या लिख दिया है, कुछ गड़बड़ लिख दिया है, बात हो रही है तो तारों की ए और बी की, ये सब मुझे यहां लिखना था, इसकी रेडियस है आर, लेंथ एल, पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाने से पावर पी खर्च हुई. अब दूसरा जो वायर है उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसकी रेडियस 2R है, लेंथ 2L है,
और उसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज लगाया V, तो पावर P1 खर्च होती है, हमको P1 P2 में रिलेशनशिप चाहिए, उसमें रिलेशनशिप चाहिए। ये तार A की बात हो रही है, रेडियस R, लेंथ L, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाने से पावर खर्च हुई P, और वायर B की रेडियस 2R, लेंथ 2L, वोल्टेज V लगाने से पावर P1 खर्च हुई। तो वोल्टेज तो आप देख रहे हैं सेम है, इसमें पावर P खर्च हो रही है, पावर मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम जो खर्च हो रही है, हमको P1 P2 में सॉरी P1 और P में रिलेशन चाहिए है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा, तो हमको दोनों के पहले रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। आर ए कितना होगा, रो एल, रो एल अपॉन पावर स्क्वायर, दिस इज आर ए। आर बी कितना होगा, रो लेंथ इज 2L अपॉन पाई 2R स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 ये 4, तो यहां बचेगा हाफ रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी आर ए हो गया वो, इसका मतलब आर बी, बी का रेजिस्टेंस ए का हाफ है, पहले आर में रिलेशनशिप, फिर पावर का फॉर्मूला, पावर ये फॉर्मूला, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, हमको यही वाला यूज करना है, वी स्क्वायर बाय आर, क्यों, क्योंकि हम वोल्टेज के सेम होने का हम एडवांटेज लेंगे, वी दोनों के लिए सेम, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें पावर ज्यादा खर्च होगा। तो यहां क्या देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस किसका कम है, आर बी, आर बी कैसा है, आर ए का हाफ है, तो आर यदि हाफ है तो पावर हो जाएगी डबल, और इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पी इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, टू पी वन। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, एक्चुअली ये है बात दो रेजिस्टर्स की, बल्ब्स की भी बात अपन कह सकते हैं, ए रेडियस आर, लेंथ एल, वोल्टेज वी, पावर पी खर्च हो रहा है, बी के साथ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस है 2R, लेंथ है 2L, वोल्टेज V लगाने से पावर P1 खर्च हुई। तो पहले इन दोनों के रेजिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप हमने निकाल लिया, R बराबर होता है रो L बाई A, रो L अपॉन A, ये RB निकाला तो RA RB में रिलेशन मिल गया हमको, और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, क्या रिलेशन मिला है, RB इज हाफ ऑफ RA, यानी रेजिस्टेंस किसका कम है, B का, B का रेजिस्टेंस कम है तो पावर का खर्चा उसमें ज्यादा होगा, पावर का खर्चा ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने गलत ऑप्शन आपको बता दिया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से हम क्या लिखेंगे, हमको आर ए आर बी में रिलेशनशिप चाहिए, हम यहां आएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पी ए अपॉन पी वी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी वी बराबर आर बी अपॉन आर ए, और आर बी अपॉन आर ए, यहां से देखें आर बी अपॉन आर ए करेंगे तो यहां डालना है मुझे हाफ, और अब रिलेशन आ गया, पी ए कितना दिया है, पी ए इज पी एंड दिस इज पी वन, तो पी अपॉन पी वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और इसलिए पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पी, ये गलत हो गया है, ये ऐसा होना चाहिए, और इसलिए ऑप्शन ए नहीं बल्कि बी करेक्ट हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी वन अपॉन टू, एंड सो ऑप्शन नॉट ए बट बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। तो 79 के बाद और कोई क्वेश्चन था, 79 के बाद नहीं, 86 और 86 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं किसी सोलेनोइड की, 87th क्वेश्चन, 87th यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फिर से, किसी परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब सोलेनोइड की बात हो रही है और वो पूछ रहा है कि सोलेनोइड के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, तो आपको मालूम है सोलेनोइड के लिए फील्ड होती है म्यूनॉट एन आई, म्यूनॉट एन आई, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही लिखा है। सेकंड बोला हुआ है फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन द करंट, तो वो भी सही लिखा हुआ है, बी डिपेंड्स ऑन आई। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, तो इसमें डायमीटर जैसा कुछ भी नहीं आया हुआ है, और इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट,
1 and 2 only, and so option D is correct. So 87 ka D sahi ho jayega. Is bachche ne lagaya hua hai C, but C is not correct, this is D. So agla 88. To fir se ye to bahut hi aasan question pucha hai, kai baar pucha ja chuka hai. Light year kiska unit hai? To aapko malum hai long distances measure karne ke liye light year, astronomical unit, parallactic second, is tarah ki units ka istemal kiya jata hai. And so option A is correct, 88 A. 89, isme zarur thoda sa formula lag raha hai, baat ho rahi hai kisi doordarshak ke abhidrashak lens ki focus duri 50 cm. Yadi doordarshak ki aavardhan kshamata 25, to netrika lens ki focus duri kya hogi? To ye baat ho rahi hai astronomical telescope ki. Astronomical telescope ke magnifying power ka formula hota hai FO upon FE. Wo baat alag ki hai, minus aata hai, hame zarurat nahi hal faral uski. Hame ye find out karna hai, ye given hai. FO kitna diya hai? To objective ki focal length de rakhi hai 50 aur ye hai 25. To bahut aasan hai, cross multiply kare to 50 bate 25 answer kya aa jayega? 2 cm. And so option C is correct. 89 C. 89 C. 90, ye fir se theoretical question hai, mechanics mein se pooch liya hai. Which one of the following forces is non-central, non-conservative? Matlab hi निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय और असंरक्षी है? तो एक तो ये दिमाग में रखें कि जो कंजर्वेटिव होता है वो सेंट्रल तो होता ही है, ठीक है? उसके बाद विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, यांत्रिक बल, बी सी और डी, ये कंजर्वेटिव होते हैं और इसलिए सेंट्रल भी होते ही हैं. घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन सेंट्रल होता है. एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो 90 का हो जाएगा ए. 90 A. आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 100. क्वेश्चन नंबर 100 अभी ग्रेविटेशन से पूछा हुआ है क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बात हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, मतलब ही गुरुत्व जनित त्वरण की बात हो रही है. हमको दे रखे हैं दो प्लैनेट्स और बोला है उनकी डेंसिटीज बराबर है और रेडियस में ये रिलेशनशिप है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. बात हो रही है दो प्लैनेट्स की, वन और टू, दोनों की डेंसिटी बराबर है और आर वन मतलब रेडियस पहले प्लैनेट की दूसरे से ज्यादा है. हमको क्या बताना है? इनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच रिलेशनशिप. तो बहुत ही आसान है, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है जी का. जी एम बाय आर स्क्वायर तो हमें याद होता ही है. एम की जगह दिस इज मास ऑफ प्लैनेट और मास बराबर होगा उसका वॉल्यूम मतलब उसका आयतन गुणा घनत्व. ये यहां डाल देंगे m की जगह, तो r स्क्वायर से या r क्यूब में से सिर्फ एक r बच जाएगा. हम ये लिखेंगे 4/3 पाई g r d. अब उन दोनों प्लैनेट्स के लिए ये सेम, g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डेंसिटी भी सेम, यानी सीधे ये रिलेशन आ गया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और रेडियस किसका ज्यादा है? पहले का, इसलिए जी की वैल्यू भी उस प्लैनेट पर ज्यादा होगी. एंड सो जी वन ग्रेटर जी टू. एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 100 का ए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. फिर आगे बढ़े, 101 के बाद सीधे पहुंचे हम 112 पर. 112 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की चार्जिंग किससे की जा सकती है? तो लॉजिक है इसमें एक कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उसके लिए फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. कंडक्टर्स को आप चार्ज कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड तो आएगी नहीं यहां क्योंकि बात हो रही है चार्ज करने की. तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. मतलब किसी इंसुलेटर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. 113 एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड एंड वाटर, जल में ध्वनि की चाल पूछी हुई है और वो कितनी होती है? तो वो होती है 1500, शायद आपको याद होगा 332 के आसपास वो होती है हवा में, पानी में और ज्यादा और किसी
सॉलिड की आप बात करोगे, मेटालिक सॉलिड जैसे लोहा, तो उसमें और ज्यादा हो जाएगी। तो 5000 तो उसमें लोहे में होगी, पानी में कितनी होगी, 1500 के आसपास। एंड सो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए, 113 का सी। इसके बाद 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो लोहे का गलनांक क्या 25 डिग्री 37 डिग्री हो सकता है? नहीं, ये तो रोज ही इतना टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या लोहा पिघल जाता है इन टेम्परेचर्स पर? नहीं, 500 1500, तो मेरे ख्याल से 1500 होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप और देख लेना मेल्टिंग पॉइंट क्या है लोहे का, पर ये पूछा ही इसीलिए कि आपको अंदाजा तो हो। 500 भी हो सकता है, पर 500 से भी ज्यादा को प्रेफरेंस देंगे ना, मुझे लगता है 1500 ही होना चाहिए उसका टेम्परेचर, है ना। तो आप और देख लेना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से इसे डी होना चाहिए, और उसका जानना भी जरूरी नहीं था, आपसे पूछा भी इसीलिए था कि क्या आप लॉजिक लगा के कुछ बोल पाओगे। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ही उसे रखना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब 115 ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्वेश्चन है, कहां सॉल्व करूं, यहां सॉल्व कर देता हूं। 115 क्या बोल रहा है वो, कॉपर के एक तार की त्रिज्या आर, लंबाई एल है, इसका प्रतिरोध आर है। कॉपर का एक वायर दिया है जिसकी रेडियस है आर, लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार, दूसरा एक और वायर लिया, उसकी रेडियस 2R है, लंबाई L by 2 है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका नाम मैं R डैश रख देता हूं। तो R डैश कितना होगा बताइए आप, R डैश को आप लिखेंगे रो L अपॉन A। तो L कितना है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, R डैश की। रो उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी, लेंथ कितनी है L by 2, और नीचे क्या आएगा पाई R स्क्वायर। रेडियस 2R है तो यहां आ जाएगा 4R स्क्वायर। और अब इसमें से इस 8 को अलग कर लें, 4 × 2 = 8 अलग लिख दें, तो बचता है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है, तो ये इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आर, लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं, दोनों सेम वायर्स हैं। ये पहले तार का रेजिस्टेंस, यानी सीधे क्या हो गया आंसर, आर बाई 8। तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 115 का डी। देन कम्स 116, फिर से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा प्रिंसिपल होता है, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो क्या फ्यूजन होता है? नहीं, फ्यूजन सन में होता है, नाभिकीय संलयन। यहां पर होता है नाभिकीय विखंडन, और वो भी कैसा, कंट्रोल्ड वे में। आपने सुना होगा 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जब यूरेनियम पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं, तो वो बेरियम क्रिप्टन में टूटता है और 2-3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उनमें से 2 को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, फिर एक से अगले का फिशन करवाते हैं, यानी फिशन रिएक्शन होती है, और वो भी कौन सी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 116 का डी, 116 डी। आगे बढ़े 116 के बाद सीधे 140, ये भी फिर से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन्ड द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना किसने एक्सप्लेन किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 140 का बी। 140 का बी, प्लैंक की तो क्वांटम थ्योरी उसने लगाई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और उसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला, ये भी आपको मालूम होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 140 का बी। और ये फिजिक्स खत्म, इसका मतलब 24 क्वेश्चन इसमें पूछे गए और ये उसके आंसर्स हैं। तो आप इसके आंसर्स मैच करें और बी होगा सी होगा, ऐसी लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आप खुद इसको सॉल्व करना। ये सिर्फ आपको इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि आपको आइडिया लगे, यदि आप आगे एग्जाम देने वाले हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो अपने आंसर्स इससे टैली कर सकते हैं, जो बच्चे आगे देने वाले हैं उनको ये पता लगेगा कि क्या पूछा जाता है और कैसे हमको कम समय में उसको करेक्टली सॉल्व करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव था इस डिस्कशन के पीछे, एंड थैंक यू वेरी मच।